कुकरेल नदी के किनारे हुए अतिक्रमण कर बनाए गए अकबर नगर को योगी सरकार ने ध्वस्त कर दिया। अब अकबर नगर के बाद अबरार नगर, खुर्रम नगर और रहीम नगर की बारी है। अब लखनऊ में बड़े पैमाने पर आपको बता दें कि जो अतिक्रमण हुआ है उसके खिलाफ बाबा का बुलडोजर चलेगा या नहीं बल्कि दौड़ेगा। अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा बुलडोजर। लखनऊ में बुलडोजर का नया टारगेट सेट हो गया है। ये तस्वीरें लखनऊ के अकबर नगर की हैं, जब पिछले महीने 9 दिन तक बुलडोजर का एक्शन हुआ था। करीब 1200 अवैध घर, दुकानें और दूसरी इमारतें बुलडोजर के पंजों ने गिरा दी थी। अब लखनऊ में बाबा के बुलडोजर की गरज फिर शुरू होने वाली है। कुकरेल नदी किनारे बने अवैध निर्माण के खिलाफ फिर से एक्शन की तैयारी है और अब बुलडोजर की ये दहाड़ कुकरेल नदी के किनारे अवैध तरीके से बसे हुए दूसरे मोहल्लों में सुनाई दे सकती है। ये इलाके हैं अबरार नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर और रहीम नगर। लखनऊ विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की टीम सोमवार से इन इलाकों में सर्वे करेगी, जिसके बाद अवैध निर्माण तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सिंचाई विभाग ने अपना एक जियो जारी किया है कि जो कुकरेल की धारा है उसके 50 मीटर जहां बंधा है बंधों के बीच में और जहां बंधा नहीं है वहां 50 मीटर तक दोनों साइड में वो हाई फ्लड जोन होगा। जी न्यूज की टीम जब अबरार नगर पहुंची तो वहां के लोगों में बुलडोजर की दहशत साफ दिखाई दे रही थी। लोग अवैध अतिक्रमण को खाली करके जाते हुए दिखे, कई लोग सामान के साथ अबरार नगर छोड़ते हुए दिखे। सर अब क्या गए हैं, अब हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, गरीब आदमी हैं हम लोग, तो कुछ हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। अब जो ऊपर बड़े लोग जो करना चाहेंगे वही होगा। जी तस्वीरों में देखिए तो लोग कह रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। अवैध तरीके से बनी इस कॉलोनी में को तोड़ने की प्रक्रिया मंडे से शुरू होगी। मंडे से यहाँ पे सर्वे का कार्य शुरू होगा जो एक हफ्ते तक चलेगा, उसके बाद एलडीए उसको शासन में भेजेगा। आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए गोमती कुकरेल नदी है यहाँ पर और इसी नदी के किनारे ये पूरे घर बने हुए हैं। जिन इलाकों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी है उनमें अबरार नगर, रहीम नगर और खुर्रम नगर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जबकि पंत नगर में हिंदू आबादी ज्यादा है, वहां भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है। साफ है कि यूपी में बाबा का बुलडोजर धर्म और जाति नहीं बल्कि गैर कानूनी काम के खिलाफ चलता है। नदी के किनारे सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कुल मिलाकर अवैध निर्माणों पर एक्शन होकर रहेगा ये साफ है, लेकिन ये अवैध निर्माण किस वक्त हुए, किसने करवाए, योगी सरकार जल्द ही उनका हिसाब भी कर सकती है। तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।